कल रात में सोफे पे सोया 3 बजे, बहुत मस्त नींद आई सोफे पे, क्योंकि सब अंदर सो रहे थे ना, मंचा दीदी, नैनू और दादी माँ, तो रूम फिल हो गया था। Well, what's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs, I hope you all are good and happy, good morning to you all. Just उठते कैमरा उठा लिया मैंने। Good morning. नहीं, आपको तुंतुरा सुबह सुबह चालू हो जाता सिस्टम, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। सब राज्य खुश है? तो मंचा दीदी को मैंने प्रॉमिस किया था और उनसे लिया था कि उनको कॉलेज छोड़ के जाऊंगा, उनके हमारे घर से पास है ना, तो वैसे अभी वॉक कर लेते जब तक रेडी वेडी फिर निकलते हैं। सुबह सुबह उठते ही सब हो रहा काम। दवाई ऑर्डर करी थी आपको ना, बहुत जल्दी नहीं होती एकदम से, दादी माँ को मना किया हुआ है, अब बैठो आराम से, बैठी बैठी भागने लग गई उठ के। इनको 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 टाइम पास करना है, इनको टाइम पास करने के लिए ना इनको काम करना है, तो इनको टाइम पास होगा तो इनका मन लगा रहेगा। सही काम तो कर रहा है, ऐसी बोला करो, अभी से कटवा। क्यों मारो? मैं लूंगा ये बात, तो तू कैमरे के लिए, कैमरे के लिए कोई काम नहीं करता। कॉलेज छोड़ने जा रहे? नहीं नहीं, मैंने तो वैसे भी कहा था, मैंने ऑफ कैमरा कहा था इनको मैं छोड़ने जाऊंगा, बहुत चीज होती है मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता। बेटे को मास्क चाहिए वो नहीं है, किसी और को चाहिए तो हाँ, एकदम से उल्टा है। ठीक है पापा, ठीक है, इम्पोर्टेंस दिख गई मेरे को। मैं वेस्ट करता हूँ, मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करता हूँ मास्क। समझा लो पापा को, कंप्लेंट कर रहे हैं कंबल की भी। अब चाहे उस दिन आपसे करके मेरे पे नाम लगवाऊ, मैं बताओ। चलो जाओ, वो गई। मम्मी अब फोन करके वही तो बोल रहे हैं, जल्दी आ जा, चल पहुंच जाएगी। तेरा पंखा बड़ा गंदा है। और कुछ? बस बता रहा हूँ मैं तेरे को, निकलस की कॉल कर, व्लॉग में दुनिया को तो दिखा दे अपना पंखा। चलो टाटा, गंदा तो हो गया, अभी साफ किया 1.5 महीने पहले, वापस करेंगे। ठंडा हो गया यार मौसम, सुबह सुबह बाहर आके भी मजा आता है। मैं सोया ही 6 घंटे हूँ रात में, 3:30 सोया सुबह, ये 9:30 उठ गया, इनफ है वैसे मेरे लिए। अब 2 घंटे और कहीं ना कहीं से दुबकी मार के खींच लूंगा मैं। दीदी को ना एक फिक्स लाइन मिल गई है, कैमरे के लिए सही, तू हमसे कैमरे के लिए सही, कैमरे के लिए सही, हर चीज में यही बोलेंगी, जबकि रियलिटी वही है, स्टार्टिंग से वही थे, स्टार्टिंग से ऐसा हूँ मैं थोड़ा, मतलब क्या ना 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 ना, वो जेन्युइन हो चुका है अब, पहले और अब में बहुत चेंज आ गए, सब ने सोले। कौन इडियट फोन? ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा। मैं ऐसा था कि कैमरा से पहले मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, और इतना मतलब नहीं था, जो कैमरा मतलब जब व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद होंगे, व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद मेरे को बहुत चीजें समझ में आई है, तो उन चीजों को लेकर जेन्युइन है कुछ, मैं इसलिए फेक वेक नहीं करता, जेन्युइनली होता है। आप जिस तरीके से बोलते हो लोग समझेंगे, अरे ये तो ड्रामा ही करता है, बस जेन्युइन है यार। हर आए दिन दूसरे दिन की कोई शिफ्ट होता है या कोई आता है, अब लोग सोचेंगे तेरे को क्या प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग इतनी अच्छी सोसाइटी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कि लोगों को इससे ज्यादा बेटर सोसाइटी मिल रही होगी। नहीं मिल रही होगी, ये इधर ऐसे करके क्या पता, एक तो धूप इतनी आ रही ना, चट्टू भी पहन ली मैंने, हमारा माफिया शांत का भी भोगता ही नहीं है, दूसरे डॉगीज भोगते रहते हैं। अगर सुबह सुबह भी जाम मिलने लग जाएगा तो फिर फायदा ही क्या है। बाय। के साथ ही जा रहा हूं। मामे भैया वापसी छोड़ दोगे ना, वहाँ जहाँ से लाए हो? चलो बाय, ख्याल रखना, बाय बाय। मैंने वैसे ना ऑटो में हमेशा इतना अच्छा व्लॉग करता हूँ, बट वो हमेशा वो हवा की साउंड की वजह से ना पूरी फुटेज खराब हो जाती है, तो व्लॉग करने का फायदा नहीं होता फिर ऑटो में, तो इसलिए जब ऑटो रुका होता ना मैं तभी कर लेता हूँ। कोई ना, वैसे भी दीदी को छोड़ दिया है, अच्छा लगा यार, मतलब ऐसे कॉलेज लाइफ देख के। मैंने एक दो बार ही देखी है जो देखी है, अब मतलब एंट्री देखी मैंने, उसमें क्या कॉलेज लाइफ पता चलती है, बट ठीक है यार। मैंने एक आंटी को देखा रोते हुए क्योंकि इनकी बेटी पहली बार कॉलेज जा रही थी, मैंने वैसे दोस्तों को देखा जाते हुए कॉलेज में, तो इट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, मेरे को तो सही लगा, बाहर से हुआ बेशक बट मेरे लिए सही था। रीच्ड ऑल्दो एक चीज मैंने नोटिस करी, जब जाते समय जितना टाइम लगा था ना उससे कम टाइम में हम आए हैं, उल्टा हम आगे से यू टर्न लेके आए, तो थोड़ा लंबा पड़ा हमें ये वाला रूट, मतलब सेम रूट से आए बट हमने कॉलेज क्लास से जो यू टर्न लिया ना उसमें हल्का सा खींचा, बट उसके बाद भी हम जल्दी आए हैं। वैसे हमारी प्यारी एमी का भी सही है, उसका मन करेगा क्योंकि आज क्लासेस भी थी यार उसकी, उठ गई होगी अभी तक मम्मी पापा, अगर क्लासेस तो मम्मी पापा ने उठा दिया होगा, वरना की रात में लेट भी सोई है ना, तो शायद से मम्मी पापा कैसे सोने दो यार, क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए यार, क्लासेस मिस नहीं होने देनी, अब क्या करें
यार बच्ची भी आजकल लेट ही सो रही है, तो ज्यादा क्लासेस इसलिए मिस हो रही है। सीमा दीदी होती ना बड़ी स्ट्रिक्ट रहती, वो एमी के साथ फिर उसको टाइम पे सुला देती ठीक है, और सारे बच्चों को भी सुला देती और टाइम पे उठा भी देती। जब से सीमा दीदी गई ना तब से एमी का भी रूटीन हिला डोला है, कोई ना दीदी वापस आएंगे ना एकदम से सेट कर देंगे। हम भी अपनी साइड से एफर्ट तो हमें भी डालना होगा कि हम सेट कर दें। ट्राई तो बहुत किया है, बच्ची बड़ी चतुर है, वो एस्केप कर जाती है सिचुएशन से। वो बड़ी हो रही ना तो चीजें सीख रही, नहीं नहीं अब वो इतनी स्मार्ट हो चुकी है, उसको अब सिचुएशन से एस्केप करना बहुत अच्छे से पता, कोई भी सिचुएशन होगी ना उससे एस्केप करके निकल जाती है। जैसे मैं इसको काम बोलता हूँ, हाँ मंजू कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर कुछ और काम उठा लेगी जानू जी, मंजू ये भी तो कर ही रहा हूँ ना मैं, क्योंकि वो ज्यादा वाला काम ना करना पड़े। मैं बोलता हूँ चल ठीक है कर ले, बट अब मेरे को इसकी ये ट्रिक समझ में आने लग गई है धीरे धीरे। और तो घर से भी कॉल आ चुका है, ऑर्डर सोसाइटी में घुसे नहीं, ऑर्डर आ गया कि घर आ जा जल्दी से, चाय बनवानी थी। इतने टाइम से मैंने भी चाय नहीं बनाई, लोग मेरी चाय मेरे हाथों की चाय मिस कर रहे हैं। मैं कसम से बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ अपने घर में। सीमा दीदी ठीक ठाक, मतलब अब सीमा दीदी भी अच्छी बना लेती हैं जिस जैसे मेरे को चाहिए वैसी, बट जो मेरे हाथ की चाय है ना कैसे बताऊँ, काश मेरे पास ये ऑप्शन होता है मैं आपको इसे कैमरा के थ्रू पिला सकूँ, कुछ डोरेमोन का वो गैजेट होता, बट ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं, अगर होती ना तो बहुत बढ़िया रहता। चलो बहुत देर हो गई बेटा, 11:30 हो गए हैं, उठो उठो। उठती नहीं आ रही है इसको, उठा उठा के मैं थक गया इतनी देर। खाना नहीं खाना? नहीं मैं इतनी लेट सो रही हूं, मुझे सोने दो। क्यों आप, क्यों आप स्पेशल हो? छोटी हूँ इसलिए मैं ज्यादा सोऊंगा, लेट सोया हूँ इसलिए मैं ज्यादा सोऊंगा, ये हूँ इसलिए मैं ज्यादा सोऊंगा, ज्यादा सोने के इसको बहाने ही चाहिए बस। अभी एक और काम आ गया खाना जी, गाड़ी का जो कल सीन हुआ था खराब हो गई थी, तो अभी वो भी सही करवाने लेके जा रहे हैं। प्लस मेरे स्कूल की टी शर्ट चाहिए, स्कूल के लिए एक शर्ट चाहिए जो स्कूल की ड्रेस है, एक वो लेनी है बस। क्या भागे भागे दादी मैं डर गए, हम चिल्लाता कौन है, चिल्लाता कौन है, मिलते हैं चल रखे हो पहुंच के कॉल कर दियो। अरे ये क्या पहन रखा है, ये कोई मौसम है अभी? वस्त्र पहन रखे हैं। हाँ हाँ तू आ जा बोल। बाबली पुत्र क्या हुआ तुम्हारे घर में, वो इतनी जोर लगा के मैंने बर्तन साफ करे खड़े हाँ। मेरी तेरे को पता है ना खड़ी नहीं होता। हाँ ये देखो आगे भी आगे। क्या है अपनी नानी के पैर दबा रहे हो, नीचे तक वो भी दबा रहा है। नानी जी की पुरानी एंटीक घड़ी मिली है, ये फ्यूचरिस्टिक नहीं थी, ऐसे खोलते साइंटिस्ट लोग, ऐसे खोले और फिर टाइम चेक करो फिर वापस बंद। अब एकदम है पंकज भैया, कमर कसनी पड़ेगी अब तो, गाड़ी धक्का मारेंगे पहले। अच्छा से हैं, मैं इतना दम है अभी बहुत जवान है। रिवर्स में स्टार्ट करिए, आज उन्होंने गाड़ी उठो गई सीट आगे। हाँ रिवर्स में होती है जल्दी, रिवर्स में जल्दी होती है हाँ। और उस दिन हमने आगे करके जल्दी करी फिर, हाँ फिर रिवर्स में दोबारा कीजिए रिवर्स, हाँ रिवर्स में उस दिन भी जल्दी हो गई थी। सही है, हो गई गाड़ी चालू, बस बैटरी डलवानी है इसमें भी। नहीं ये बैटरी तो डलवानी है, बैटरी नहीं डलवानी इन्होंने, और मैंने कहा अभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो कह रहे किसी तेरे को वापस बुला लूंगा, कहा दिल्ली पहुंचो मैं दिल्ली आऊंगा धक्का मार के। क्या बोले अब नाना जी को, हम उनके सामने ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, उन्होंने जो बोल दिया बात माननी पड़ती है। यही तो तुम्हारे हम में यही फर्क है कि हम सवाल जवाब करते आप नहीं करते। नहीं नहीं फिर कि हम अपने वो देख के ना पैर उठते पसारते हैं, चादर देख के पैर पसारते हैं, ये बोलो वो तो हम भी करते हैं यार। नहीं हाँ जी हाँ जी, तुम चादर देख के पैर पसार रहे। एक तो इतनी गर्मी, अच्छा है मैंने जैकेट उतार दी, प्लस अभी स्कूल की यूनिफॉर्म लेनी है मैंने, एक शर्ट लेनी है बस। ये अब हमारा जो इतना गंदा वाला भी आके कटा है यहाँ, शॉप सिर्फ संडे खुलती है। मेरी टीचर ने कहा तुम जाके ले आना कल, अब मैं कल के चक्कर में आ जाएगी, कल उन्होंने बोला कि आज ले लेना, अब मैं आ गया लेने, अब पता चल रहा है कि संडे खुलती है, बेमतलब टाइम वेस्ट हो गया आके डबल। नाना जी को कन्विंस तो किया बैटरी लगवाने के लिए, वो आ भी गए, अब देखते लगवाते हैं कि नहीं लगवाते। मोटू मोटे नाम उठ गया, नहीं उठा रास्ते में उठने के, उठ गया कितनी देर पहले उठा, जब आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले हगी नहीं थी मेरे को, गुड आफ्टरनून ही कर दो, गुड मॉर्निंग तो करोगी नहीं आप, सुबह उठी नहीं क्योंकि, गुड आफ्टरनून कर दो। आप ट्यूशन नहीं जाना? जाना तो रेडी कौन होगा? आके ना सकता हूँ, नहीं आके नहीं ना सकती हो आप, प्लीज नो नो नहीं 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 नहीं। जिंदगी में कुछ भी करो बट काम कभी खत्म नहीं होने वाले, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। अभी 5 मिनट के लिए लेटा था, अब आई मेरे को ट्यूशन छोड़ना है, ये काम आ गया, अभी बाहर से हो गया उसके बाद बैक टू बैक काम। अब कोई ना यार,
करना तो पड़ेगा, घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई है तो पूरी करेंगे। चलो ऐसे जाना पड़ता है। एक तो लोग ऐसे नीचे भी देख रहे थे हमें, लोग लुक दे रहे थे बड़ी अजीब सी। कोई ना, मेहनत का काम है लेकिन कुछ भी कोई अभी जल्दी पहुंच जाते हैं, बट जो हालत खराब होती है ना ऐसे चलाने में, कोई छोटी साइकिल तो समझ में, तो मेरी साइकिल पे कोई दिक्कत नहीं है, टिड्डी की साइकिल पे बड़ी दिक्कत है। मेरे ओपिनियन में इंसान तब मैच्योर होता है जब उसको अपनी गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। मेरे ओपिनियन में बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट मेरे लिए ये अपना अपनी गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन होना लग जाता है। हमें पता है हम कहाँ गलत हैं, उन चीज़ों का सेल्फ रियलाइजेशन ये सब होने जब लग जाता है ना, तब हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। व्लॉगिंग बहुत बड़ा चेंज लाई है मेरी लाइफ में, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये चांस मिला। एंड ऑनेस्टली जब मेरे को ये चांस मिला ना, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, अगर ये चांस मैंने अब ग्रैब नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा लेट्स डू इट, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, चेंज्ड पूरा, इवॉल्व्ड, मैच्योर एंड रिस्पेक्टफुल एंड अ काइंड पर्सन बनेंगे हम, जो अब मैं हो चुका हूँ धीरे धीरे करके। ऐसा मैं अभी सॉक्स पहनने में लगा था और सॉक्स इतनी टाइट हो गई, पूरी सॉक्स पहनने में फट गई, मजाक है क्या? मतलब मैं लेट वैसे ही नहीं हूँ, एक तो घर के कामों में लग गया मैं, दादी माँ के साथ हेल्प कराने में उनकी, मेरे को टाइम का ध्यान नहीं रहा और उस चक्कर में मैं इतना लेट हो गया, फिर नहाने के, अब नहा के जल्दी से भागा भागा आया हूँ और ये सॉक्स ने और लेट करा दिया यार। वेल नहा के हम हो चुके रेडी और दवाई भी लगा लिया, आज बड़े फनी मोमेंट में हम नहा के रेडी हुए हैं। गई सॉक्स पड़ेगी डांट अब पापा को पता चला तो। बाय मोटू, गॉड ब्लेस यू, करो एमी कोक पी ली तो नहीं ऑरेंज जूस, चलो बाय 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 एमी, ध्यान रखना घर का। आज तो पड़ेगी डांट, क्योंकि एक होता है लेट होना, एक होता है हद ही लेट होना, एक होता है बहुत लेट होना, और एक होता है मतलब सीमा पार लेट होना। तो सीमा पार लेट हुआ हूँ मैं इस बार, और अगर आज ट्यूशन लेट तक भी चलेगी करूँगा मैं, क्योंकि कल पेपर है आप लोगों के लिए। आज ही डन विद ट्यूशन, अच्छे से हो गई, ऑल दो सरप्राइजिंगली आज डांट नहीं पड़ी, लक अच्छा था कुछ भी बोल लो, बट आंटी ने डांट नहीं मारा, आंटी ने बोला कोई ना आ जाओ, क्योंकि आज मेरे बैच का कोई आया नहीं था, सबके या तो किसी का मतलब एक आधा पेपर था दूसरे सब्जेक्ट का जो आंटी पढ़ाती नहीं है, या तो एक की तबीयत खराब थी, ऐसे कुछ था। अब घर निकलते हैं और थोड़ी देर में बैडमिंटन के लिए भी जाना है, उससे पहले आमी को भी सेट करके आमी को भी नीचे भेजना है दादी माँ के साथ, और हल्का फुल्का अगर काम बच गया होगा तो दादी माँ की जाके हेल्प भी करा दूंगा। अपने मुँह का हाल देखा है आपने? क्या? आपको नहीं पता आपने क्या करा हुआ है? आपको नहीं पता आपने क्या करा हुआ है? आमी ये काला काला कैसे रखा है? ये हाथ हाथ काला काला कैसे हुआ? इसके अंदर मुँह घुसाया था क्या? नहीं। मुँह का हाल देखे एक बार शीशे में जाके। हाँ अब बोलो, अरे जो खलारा पाया हुआ है कौन सा मिटेगा? सुनो, नहीं 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 नहीं, नीचे जाना है, मुंह धो, सारा समेटो और नीचे जाओ। अभी इतनी सारी चीजों में दादी माँ से अलमारी भी निकल गई, अब ये जोड़ने में अलग टाइम लग रहा है, मेरे को आती नहीं है जोड़ने, अब मैं पता नहीं कैसे कैसे करके अभी जोड़ रहा हूँ। फाइनली डन, उंगलियां टूट गई, उंगलियां आ गई, उंगली कट गई, इतना कुछ हो गया। तभी तो बचेगी। आमी और दादी माँ की लड़ाई हो गई लिफ्ट के चक्कर में। वो बटन दबा के होता है या ऐसे रख के होता है? आप प्लीज अपना दिमाग ना लगाओ। नहीं बताऊंगा, अरे लड़ाई खत्म करो, चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो, किसी की मत करो। साइकिल ना दादी माँ, ये साइकिल सीधी सीधे नहीं निकालती, ये खींचती है, ये ऐसे नॉर्मली नहीं निकालेगी, खींच खींच के निकालेगी। डन विद बैडमिंटन, आज बहुत ज्यादा ही मैच खेल लिए, हालत खराब, अब निकलते हैं घर। मम्मी पापा वैसे आज लेट आएंगे क्योंकि वो बुआ के यहाँ गए हैं किसी काम से, इसलिए उनको लेट हो जाएगा, तो अभी भी मतलब रात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मतलब मेरे को सब टाइमली करके सो जाना है जिससे मैं टाइमली उठूं। मिले वो एल्सा वाला टॉवल लेंगे। किसने कहा आपको? सब छोड़ो दादी, मैं मेरा तौलिया मिला? तौलिया नहीं मिला यार, मेरा ना रेड कलर का टॉवल है, वो घर से गायब ही हो गया है, पता नहीं कहाँ गया, दादी माँ ने कहीं रखा था, मिल ही नहीं रहा है। मिल गया, कहाँ था? कहाँ था? बहुत बढ़िया, तोलिया प्रेस होने दे रहे ये लोग, घई परिवार में बहुत ही अच्छे अच्छे अनोखे लोग हैं। चलो फिर, वैसे भी अब तो मैं टायर्ड हो चुका हूँ, तो मैं एडिटिंग भी बैठूंगा, आज का व्लॉग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय के वंच साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग आज से देख लेना। बाय बोल दो, बाय, कल से मिलते हैं बहुत बढ़िया व्लॉग के साथ, सब चढ़ जा रहा निकरा निकरा अंदर कुछ 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 दूर दूर दूर।